अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सपनों को संकल्प के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके देश नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आज का सूर्योदय एक नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा उसको लेकर के आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में 12 वर्ष में एक बार नील कुरिंजी का पुष्प उगता है। इस वर्ष दक्षिण की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हमारा नील कुरुंजी का पुष्प जैसे मानो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र की तरह देश के आजादी के पर्व में लहलहा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये पर्व हम तब मना रहे हैं जब हमारी बेटियां उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की हमारी बेटियों ने 7 समंदर पार किया और 7 समंदर को तिरंगे रंग से रंग करके वो हमारे बीच लौट आई। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का पर्व आज उस समय मना रहे हैं। एवरेस्ट विजय तो बहुत हुए हैं, अनेक हमारे वीरों ने, अनेक हमारी बेटियों ने एवरेस्ट पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया है, लेकिन इस आजादी के पर्व पर इस बात को याद करूंगा कि हमारे दूर सुदूर जंगलों में जीने वाले नन्हे मुन्ने आदिवासी बच्चों ने इस बार एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहरा करके तिरंगे झंडे की शान और बढ़ा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी अभी लोकसभा राज्यसभा के सत्र पूरे हुए और आपने देखा होगा कि सदन बहुत अच्छे ढंग से चले और एक प्रकार से संसद के ये सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित थे। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, उनके हकों की रक्षा करने के लिए हमारी संसद ने संवेदनशीलता और सजगता के साथ सामाजिक न्याय को
और अधिक बलवत्तर बनाया। ओबीसी आयोग को सालों से संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी, इस बार संसद ने पिछड़े अति पिछड़ों को, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके, एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। हम आज उस समय आजादी का पर्व मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की छठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ऐसे एक सकारात्मक माहौल में, सकारात्मक घटनाओं की श्रृंखला के बीच आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए पूज्य बापू के नेतृत्व में लक्षावधि लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, जवानी जेलों में गुजार दी। कई क्रांतिकारी महापुरुषों ने फांसी के तख्त पर लटक करके देश की आजादी के फांसी के फंदों को चूम लिया। मैं आज देशवासियों की तरफ से आजादी के इन वीर सेनानियों को हृदयपूर्वक नमन करता हूं, अंतरपूर्वक प्रणाम करता हूं। जिस तिरंगे झंडे की आन बान शान हमें जीने जूझने की, मरने मिटने की प्रेरणा देता है, उस तिरंगे की शान के लिए देश के सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हमारे अर्धसैनिक बल जिंदगी खपा देते हैं। हमारे पुलिस बल के जवान सामान्य मानवी की रक्षा के लिए दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं सभी सेना के जवानों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस के जवानों को उसकी महान सेवा के लिए, उनकी त्याग तपस्या के लिए, उनके पराक्रम पुरुषार्थ के लिए आज तिरंगे झंडे की साक्ष में लाल किले की प्राचीर से शत शत नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन दिनों देश के अलग अलग कोने से अच्छी वर्षा की खबरें आ रही हैं तो साथ साथ बाढ़ की भी खबरें आ रही हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिन परिवारों को अपने स्वजन खोने पड़े हैं, जिन्हें अपने मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, उन सब के प्रति देश पूरी शक्ति से उनकी मदद में खड़ा है और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख में मैं सहभागी होता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बैसाखी
हमारे जलियांवाला बाग के उस नरसंहार को 100 वर्ष हो रहे हैं। देश के सामान्य लोगों ने देश की आजादी के लिए किस प्रकार से जान की बाजी लगा दी थी और जुल्म की सीमाएं कितने लांघ चुकी थी। जलियांवाला बाग हमारे देश के उन वीरों के त्याग और बलिदान का हमें प्रेरणा का संदेश देती है। मैं उन सभी वीरों को हृदयपूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। पूज्य बापू के नेतृत्व में अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीर पुरुषों ने, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अनेक नौजवानों ने, सत्याग्रह की दुनिया में रहने वालों ने जवानी जेलों में काट करके